कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में दिहाड़ीदार तबके ने एहतजाज का अनोखा तरीका अपना लिया। राशन घरों पर ना पहुंचने पर मकीनो ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी। सिंध हुकूमत के घरों में महदूद रहने के ऐलान के बावजूद दुकानें शाम 5 बजे के बाद भी खुली हैं। नौजवान और बच्चे ड्रिक रोड रेलवे स्टेशन पर पतंग उड़ाकर टाइम पास करने में मसरूफ है, तो दूसरी जानब बूढ़े भी घरों से बाहर कचहरी लगाकर बैठ गए। मजीद तफसीलात अपने नुमाइंदे सुमेर राजपूत से जान लेते हैं, जो इस वक्त ड्रिक रोड रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। जी सुमेर, आगाह कीजिएगा इस इलाका मकीनों के अनोखे एहतजाज के बारे में। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेर कायद का अहम शाहरा डिग रोड पर। अगर मेरे कैमरामैन शेरियार आपको दिखाए तो ये मेन स्टेशन है रेलवे स्टेशन डिग रोड का। यहाँ पर जो है मगरिब का वक्त हो चुका है, लेकिन अब भी देखा जाए तो लॉकडाउन की खिलाफ वर्दी की जा रही है। बड़ी तादाद में शहरी जो है वो घरों से निकले हुए नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर दुकानें हैं शेर ज़रूरियात की, वो भी खुली हुई परचून की दुकानें भी नज़र आ रही है। दूसरी जानब अगर बात करें तो सिंध हुकूमत की जानब से 5 बजे तक ऐलान किए गए थे कि शाम 5 बजते ही लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए, लेकिन यहाँ शाह फैसल कॉलोनी पर यह देखने में आ रहा है कि यहाँ पर जो है वो शहरी घरों से निकलकर नौजवान जो है वो पतंग भी उड़ाते नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर आवाम का जमे गफीर भी नज़र आ रहा है। कुछ शहरियों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि लॉकडाउन का ऐलान तो सिंध हुकूमत की जानिब से कर दिया गया है, घरों पर राशन पहुँचाने की बात की जा रही थी, राशन अब तक नहीं पहुँचाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो घरों से निकलने पर मजबूर हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद भी, उनसे बात कर लेते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे? सिंध हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन का ऐलान किया गया है 5 बजे दुकानें बंद करने का और शहरियों को घरों में महदूद रखने का, लेकिन यहाँ पर देखने में आ रहा है कि आप लोग घरों से निकले हुए हैं, बच्चे भी, तो ये तो खतरे वाली बात है ना, क्या कहना चाहेंगे? खतरे वाली ऐसे बात है, हर बंदा एक जो झूम वगैरह बना हुआ है, ठीक है, इससे बीमारी फैल भी सकती है, ठीक है। इधर कोई राशन की कोई नहीं है, आगे पीछे सारी आवाम भूखी है, किस्म की सारे गरीब बंदे यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है सर, और इधर इमदाद कोई बंदा नहीं कर रहा। राशन का हर बंदा बोल रहा है इतने कर दिया राशन, इतना इधर बांट दिया, ये कर दिया, मगर इस मोहल्ले के अंदर किसी को अभी तक राशन नहीं मिला। हाँ जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि हम घरों पे से बाहर निकलने का हमें कोई शौक़ नहीं है, लेकिन घरों से निकलने की जो मजबूरी है वो ये है कि जब घर पर होते हैं तो हम भूखे अपने घर वालों को भूखा देखकर हम जो है वो तड़प उठते हैं, जिसकी वजह से घरों से बाहर निकलने पर मजबूर हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से जो ऐलान किए गए थे राशन की तकसीम के घर घर पहुँचाने के, उसका अब तक कोई खातिर ख्वाह इकदाम देखने में नहीं आ रहे हैं। अब तक जो है वो ऐलान जो है सिर्फ ऐलान की हद तक ही महदूद है। शहरियों का मुतालबा है कि अगर कोरोना से जाना चाहते हैं तो लॉकडाउन के साथ साथ राशन का भी इंतजाम करें। जी बहुत शुक्रिया, ये थे सुमेर राजपूत जो हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लामा वलामा हर खबर से अपडेट रहने के लिए, खबरों सियासी या मुल्क के बुहरान की, या हो आपके मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की बात, हम बनेंगे आपकी आवाज़। सब्सक्राइब कीजिए पाकिस्तान के सबसे बड़े वेब टीवी क्विक न्यूज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।